हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के अंदर आ चुका है बहुत बड़ा वायरस। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एजेंट स्मिथ के बारे में। जी नहीं, ये कोई कंपनी का एजेंट नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट एजेंट है, किसी मूवी का एक्टर ये नहीं है, बल्कि मैं बात करने वाला हूँ एजेंट स्मिथ, जो एक वायरस का नाम है। एक ऐसा वायरस जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और एक ये मोबाइल वायरस है जो कि इंडिया के बहुत सारे मोबाइल स्मार्टफोन के अंदर ये आ चुका है। क्या है पूरा खेल, और अगर आपके स्मार्टफोन में ये वायरस आ गया है तो कैसे इसको रिमूव किया जाता है, क्या इसके पीछे पूरी कहानी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वायरस के बारे में कि आखिर ये वायरस कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि चेक पॉइंट एक रिसर्च टीम है, एक रिसर्च सेंटर है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक आर्टिकल डाला है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि एजेंट स्मिथ नाम का एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ये एजेंट स्मिथ, इस वायरस का नाम भी इसी चेक पॉइंट रिसर्च टीम ने दिया है। अब एक्चुअल में इसका क्या नाम है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसका जो नाम चेक पॉइंट ने दिया है वो एजेंट स्मिथ दिया है। इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर एक ऐप है जिसका नाम है 9 ऐप्स। ये सबसे पहले इंडिया के अंदर एंटर हुआ था इसी एप्लीकेशन के जरिए। 9 ऐप्स जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है, लाइक प्ले स्टोर की तरह है, जिस तरीके से आप प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर, उसी तरीके से 9 ऐप्स भी एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 9 ऐप्स के जरिए ये इंडिया के अंदर एंटर हुआ है, और अब तक 2.5 करोड़ स्मार्टफोन के अंदर ये आ चुका है, जिनमें से 1.5 करोड़ से ज़्यादा के स्मार्टफोन, 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो स्मार्टफोन है उनके डेटा लीक हो चुके हैं, उनकी बैंक डिटेल भी लीक हो चुकी है। ऐसा खतरनाक वायरस है। अभी वायरस काम कैसे करता है, देखिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। थर्ड पार्टी ऐप स्टोर जो कि 9 ऐप सबसे पॉपुलर है उनमें से, उनके जरिए ये एंटर हुआ है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ऐप स्टोर के अंदर ये एंटर हो चुका है। तो इसके जरिए क्या होता है कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि ये उसके जरिए डाउनलोड हो जाता है, या फिर किसी दूसरे तरीके से आपके स्मार्टफोन के अंदर एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद में इसका ना तो कोई आइकन है, ना ही इसका कोई नाम है, ये आपके स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, बैकग्राउंड के अंदर काम करने लग जाता है, एज ए स्पाइवेयर की तरह ये काम करता है। तो ऐसे में ये क्या करता है, आपकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप, ओपेरा मिनी, एक्सेंडर वगैरह, जो भी आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन है, उन एप्लीकेशन की बना देता है डुप्लीकेट कॉपी, और जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है उनको ये अनइंस्टॉल कर देता है। आप अगर एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी एप्लीकेशन अगर रन होती है तो उसको परमिशन की जरूरत पड़ती है। परमिशन दो टाइप की होती है, तो रन टाइम परमिशन होती है, एक ही इंस्टॉलेशन टाइम परमिशन होती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले क्या होता था कि सिर्फ इंस्टॉलेशन टाइम में परमिशन मांगी जाती थी, लेकिन आजकल भी ऐसा होता है, ऐसी पुरानी एप्लीकेशन जो कि रन टाइम में परमिशन नहीं मांगती, इंस्टॉलेशन टाइम पर परमिशन मांगती हैं, उनको आप ओपन करते ही वो काम करने लग जाती है। ठीक इसी तरीके से काम करता है मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर, क्या करता है ये उसको डिकम्पाइल करता है, और उसके कोड के अंदर कुछ चेंजेस करके उसको वापस से रिकम्पाइल करके उसकी डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर देता है। और ये जो एजेंट स्मिथ नाम का जो वायरस है, ये वायरस क्या करता है, ये वायरस एज ए अपडेटर की तरह ये काम करता है। आपके स्मार्टफोन के अंदर ये किसी तरीके से अगर ये इसका आइकन आ भी जाता है तो वो एक अपडेटर की तरह से आता है। com.google.com vendor.com एक पैकेज नेम है जो कि अपडेटिंग का काम करता है। आपके स्मार्टफोन के अंदर जो प्ले स्टोर है उसको ये अपडेट की इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन कौन से ऐप के अपडेट आपके अंदर आए हुए हैं, तो ये उसी को रिप्लेस कर देता है उसकी जगह पे, और ऐसे नए प्रोग्राम आपके मोबाइल के अंदर डाल देता है, और वहाँ से क्या होता है कि वो एज ए स्पाइवेयर की तरह वो काम करने लग जाते हैं। अब ये जो एजेंट स्मिथ वायरस है, ये लगभग इंडिया के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन के अंदर आ चुका है। इंडिया के अंदर इन्हें सबसे बड़ा टारगेट बनाया, ये कहाँ से आया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें अलग कंट्रीज की, तो US के अंदर 303,000 स्मार्टफोन के अंदर ये कब्जा कर चुका है। वही भी बात करें हम सऊदी अरब की, तो उसके अंदर 245,000 स्मार्टफोन के ऊपर ये कब्जा कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 147,000 स्मार्टफोन के ऊपर कब्जा कर चुका है। और अगर हम और दूसरी कंट्री की बात करें, तो UK के अंदर 137,000 स्मार्टफोन के अंदर कब्जा कर चुका है। सबसे बड़ा जो टारगेट इसने किया है वो इंडिया को किया है, क्योंकि इन्होंने, जिसने भी इसको बनाया वो अच्छे तरीके से जानता है कि इंडिया के अंदर क्रैकिंग वाला जो सिस्टम है, यानी कि क्रैक करना किसी सॉफ्टवेयर को, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से ऐप्स को डाउनलोड करना,
बहुत ज्यादा प्रचलित में है, बहुत ज्यादा लोग ऐसा करते हैं और इसीलिए इसने इंडिया को टारगेट किया है। बात करें कौन से स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो इसके अंदर सैमसंग का सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा ये जो वायरस आया वो सैमसंग के फोनों के अंदर आया, उसके बाद में ओप्पो, वीवो, आईटेल, माइक्रोमैक्स और यहीं पे दो चार कंपनियां और भी हैं जिनको अननोन नेम है, उनके नाम अदर में डाल रखा है। तो ऐसी जो कंपनियों के स्मार्टफोन है इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा इफेक्शन किया गया है। सबसे ज़्यादा तो अफेक्टेड इससे एप्लीकेशन हुई है, उसके अंदर पॉपुलर एप्लीकेशन शामिल है व्हाट्सएप भी, इसे नहीं बच पाया, व्हाट्सएप के अंदर भी ये आ चुका है। व्हाट्सएप, एजेंडर, ओपेरा मिनी, एमएक्स प्लेयर, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, ऐसी जो पॉपुलर एप्लीकेशन है इन एप्लीकेशन के साथ में अपना खेल खेलता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब इससे बचा कैसे जाए, देखिए अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर ये आ चुका है, पहले तो आपको पता करना है कि वास्तव में हमारे स्मार्टफोन के अंदर ये आया है या फिर नहीं आया। देखिए इसका पता करने का सिर्फ दो तीन तरीके हैं। एक जो तरीका है ये क्या करता है कि लुभावने ऐड दिखाता है आपको, आपको ऐसे ऐड दिखाता है कि इस पर क्लिक करिए आप करोड़पति बन जाएंगे, आप इतनी इन्फॉर्मेशन डालिए यहाँ पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए आपके साथ में आपके स्मार्टफोन के अंदर ये हो जाएगा। तो ऐसे लुभावने ऐड अगर आपके पास में आ रहे हैं लॉक स्क्रीन पे या फिर मोबाइल खोलते ही बिना कोई एप्लीकेशन को ओपन किए आपके सामने ऐसे ऐड आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके स्मार्टफोन के अंदर एजेंट स्मिथ नाम का वायरस एंटर हो चुका है। और दूसरा तरीका ये भी है कि आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो अचानक डाउन हो चुकी है, मतलब एक दो दिन से आप यूज करते आ रहे हैं लेकिन एक दो दिन के अंदर आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये 10 जुलाई को एंटर हुआ है इंडिया के अंदर, तो 10 जुलाई के बाद में अगर आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको स्लो लग रही है, आपका इंटरनेट जल्दी खत्म हो रहा है, तो समझ जाइए एजेंट स्मिथ नाम का जो वायरस है वो आपके स्मार्टफोन के अंदर आ चुका है। अब इसको अनइंस्टॉल कैसे किया जाए, देखिए अनइंस्टॉल करने का इसे कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ऐप सेटिंग के अंदर वापस जाएंगे तो जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है आप उन सबको अनइंस्टॉल कर दीजिए। और अनइंस्टॉल करने के बाद में भी आपको लगता है, आपको शक है कि मेरे स्मार्टफोन के अंदर ऐसा वायरस है, तो आप क्या कीजिए, अपनी जो मीडिया फाइल है आपकी फ़ोटो वीडियो वगैरह जो भी हैं, क्योंकि इन फाइलों का इफेक्ट नहीं करता है, तो इन सारी फाइलों का आप बैकअप ले लीजिए किसी एसडी कार्ड में, फिर कंप्यूटर में कॉपी कर लीजिए और अपने स्मार्टफोन को रीसेट कर लीजिए। यही दो तरीके हैं, इन दो तरीकों के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। गूगल प्ले प्रोटेक्ट जो सर्विस होती है, यानी कि जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो होता है, जो एंड्रॉयड की खुद की सिक्योरिटी आती है, वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई है, वरना आपका प्ले स्टोर आपको वार्निंग देने लग जाता कि आपके स्मार्टफोन के अंदर ऐसा वायरस आ चुका है। तो ये था पूरा खेल एजेंट स्मिथ का, एक ऐसा वायरस जो कि 2.5 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन के अंदर आ चुका है, आज के लिए काफी प्रचलित में है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज करते हैं, उन सबके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है किसी के स्मार्टफोन के अंदर, आपके दोस्त या फिर आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर, किसी के भी स्मार्टफोन के अंदर ये वायरस हो सकता है आ चुका है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलें। और इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।